अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक लाइट आई है जिसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये लाइट्स आपने देखा होगा कि आजकल इन लाइट्स का बड़ा इस्तेमाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बनता रहे और आपसे मेरा जो रابطہ है वो बना रहे। तो आज जो आपको LED दिखा रहे हैं, आपने मुख्तलिफ शेप में देखी होंगी LED। पहले तो LED बल्ब आते थे, और इससे पहले की बात करूं तो एनर्जी सेवर थे, अगर उससे पहले की बात करूं तो ट्यूबलाइट थे। अब इनमें फ़र्क क्यों आया, इन्हें इस्तेमाल क्यों किया गया, इसका रेट क्या है और इसका क्या मसला है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्यूबलाइट आई, तो ट्यूबलाइट जो थी वो 110 वोल्ट पे काम करती थी। वैसे तो 220 है, लेकिन अगर उसकी मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो वो 1100-1200 वोल्ट लेती थी। फिर चौक ने उसे ड्रॉप करवाना, वो 110 पे इस्तेमाल होती, यानी वो आधा एम्पियर लेती थी। तो आधा एम्पियर लेने की वजह से जहरी बात है, हर बंदा सोचता है कि बिजली की बचत की जाए, क्यों ना कम से कम बिजली का खर्च हो। तो उसके साथ तो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट जो आपकी है वो आधे एम्पियर पे काम करती है। उसकी उसे देखते हुए कुछ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, तो वो ट्यूब जो है वो 110 वोल्ट पे काम करने लग गई। तो उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने फिर एनर्जी सेवर निकाले। तो एनर्जी सेवर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एनर्जी सेवर है, स्पायरल ग्लो 23 वाट का ये। तो 23 वाट का मतलब ये होता है कि आप जितने कम वाट का लेंगे रोशनी उतनी ही आएगी। तो ये थोड़े से महंगे हो जाते हैं, ट्यूब आपकी सस्ती हो जाती है थोड़ी सी। तो एनर्जी सेवर के साथ साथ जब ये थोड़ा सा रुझान बढ़ा, क्योंकि इससे आपकी ये देखें ना, वाट कम हो जाते हैं। ये 23 वाट का ट्यूब 80 वाट की होती है। अगर हम 80 वाट का एनर्जी सेवर लगा लें तो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। फिर जब बहुत चीज़ चलती गई तो फिर ऐसा ऐसा उसकी जगह LED बल्ब ने ले ली। मैं LED बल्ब दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये चलो, ये LED के ऊपर वाला हिस्सा है कैप, ये LED के अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा ये LED का, वो सामने LED पे काम हो रहा है, और ये LED इस टाइप की भी होती है। उसके साथ साथ चूँकि LED ने वाट कम लेना शुरू कर दिए, अगर ट्यूब 80 वाट की है तो वो उसकी जगह अगर आप 40 LED का वाट बल्ब वाट वाला एक बल्ब लगा लें तो वो आपकी बेहतर रोशनी दे सकता है। तो वो बेहतर रोशनी आपको दे सकता है। तो इसके साथ साथ हमारे पास ये LED आया था, जो एक रेडी के ऊपर जहाँ पे तिक्का बोटी या कबाब या नान या कोई भी चिकन का आइटम लगाओ, तो वहाँ ये रेडी पे लगा हुआ था। ये स्पेशली बनाया जाता है, ये जो इसकी चिप है ये महंगी मिलती है, चूँकि आपने लाइट की डिमांड ज़्यादा कर दी तो हर एक लाइट ज़्यादा। तो इसमें लाइट ज़्यादा है तो इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। ये ख़राब हो गया, ये हमारे पास है, तो हम अब हमने इसे चेक करना है और इसे बनाना है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा रेडियो के अंदर जब इसे फिट किया जाता है तो ये निशानात ऐसे बढ़ जाते हैं। ये अभी साफ होगा, इसके अंदर के ही मसला है, अभी वो भी चेक करेंगे हम कि तारों के जोड़ का कोई मसला है या इसके अंदर जो ये जो LED बनी हुई है इसका मसला। अगर तो ये डैमेज हैं तो ये फिर रिपेयर की जा सकती हैं, ये मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन इस वक्त कम से कम भी ये जो टिक्की है मेरे अंदाज़े के मुताबिक 600-700 रुपये की होगी, क्योंकि मैंने छोटी एक डलवाई थी जो इस साइज़ में थी वो 350 रुपये की आई थी। तो ये 500-600 रुपये की होगी टिक्की। ये इसके ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का काम आपको पता है कि वो टॉर्क देता है, और उसके अलावा इसकी बैक पे कुछ नहीं लगा हुआ, दो कैपेसिटर इसके फ्रंट पे लगे हुए हैं। कितने दो
आज बड़ी सुस्ती कर रही है। तो गाइस आप पहले इसे देखें, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दो दो भी बना लिया ना मेरा उल्लू से दो, क्योंकि ये मुस्तकिल मिजाजी का काम है। ये देखें जी, ये ख़राब है। अभी सब चेक करेंगे, नहीं कितना चेक करें तो आज हम इसे चेक करेंगे। ये एक देसी तरीका है लगाने का, ये नीचे वाला हिस्सा होल्डर में लगा के पीछे होल्डर लगा के इसकी तारें आप डायरेक्ट उसमें बोर्ड में लगा दो, तब भी हो जाता है। तो आज हम इसे बनाएंगे, बड़ी हैवी है। तो इसे खोल के चेक नहीं किया, इसकी तारें डायरेक्ट लगा के चेक करनी थी। नहीं सर जी, हो ही नहीं रहा सर। जा साहब को बुलाए, नुमान किधर है सर जी? नुमान तेन वेख यार, की मसला तेनू तेन चेक तो कर फिर। चेक नहीं यार, तो ये छोटे एलईडी के बल्ब का टांका लग रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।